खतरे से बचने के लिए दोस्तों हर प्राणी जी जान कोशिश करता है। जिनमें से कुछ प्राणी खतरे से डट के सामना करता है तो कुछ भाग के खतरे को टाल देता है। लेकिन दुनिया में कुछ प्राणी ऐसे भी है दोस्तों जो खतरे से बचने के लिए खतरनाक होने की एक्टिंग करता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्राणी जगत की ऐसी 5 सुपर नकल चेन एनिमल के बारे में बताऊंगा जो खतरे से बचने के लिए अपनी नकल करने की क्षमता को एक्टिंग के लेवल पे लेके गया है, जिनके चौंका देने वाला एक्टिंग देख के आप तो दंग रह जाओगे ही, यहाँ तक कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार की आंखें भी खुली की खुली रह जाएगी। इसलिए दोस्तों ये वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। और आज के हमारे जो नए व्यूअर्स दोस्त है वो प्लीज वाइल्ड इज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को टैप करके ऑल सिलेक्ट को दबा दो ताकि नेक्स्ट वीडियो आसानी से आप तक पहुंच पाए। दोस्तों हम सभी को पता है कि जंगल बच्चे के लिए कितना खतरनाक जगह है। यहाँ हर एक मोड़ पर खतरा घात लगा के बैठा रहता है। थोड़ी सी भी अगर गलती हुई तो सीधा कोई शिकारी प्राणी के पेट में जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसीलिए सभी माएं अपने बच्चों को आंखों से दूर नहीं होने देती है। लेकिन खाने के इंतजाम करने के लिए कभी ना कभी माँ को बच्चे से दूर जाना ही पड़ता है और इसी टाइम बच्चे सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। लेकिन अमेजन के घने जंगलों में रहने वाले सिनेरियस मोंडा नाम के एक पंछी के बच्चे ने इस खतरे से बचने के लिए एक अजीब व गरीब रास्ता अपना लिया है जिसे जान के आप एकदम आश्चर्यचकित रह जाओगे। महापंछी की गैर हाजिरी में शिकारी प्राणियों से बचने के लिए नवजात मोनर पंछी बाकी सबसे जहरीले कैटरपिलर होने की एक्टिंग करता है। जी हाँ दोस्तों, माँ मोनर पंछी देखने में एकदम सीधा साधा धूसर रंग का होता है लेकिन नवजात मोनर पंछी गाढ़ा नारंगी रंग की पंख से ढका हुआ होता है जिसके नोक सफेद होते हैं बिल्कुल उस कैटरपिलर की जहरीले काटो जैसा। और तो और इसकी साइज भी कैटरपिलर की समान 12 सेंटीमीटर का ही होता है। महापंछी खाने के इंतजाम में बाहर जाने की तुरंत ही यह नवजात पंछी अपने सर और पांव को पंख के अंदर छुपा के अपने घोंसले में चुपचाप बैठा रहता है। अब साइज और रंग सेम होने के कारण ये लगभग उस जहरीले कैटरपिलर जैसे ही दिखता है। लेकिन चौंका देने वाला बात यह है कि खतरा महसूस होने पे ये बच्चे अपने सर को ऐसे हिलाने शुरू कर देता है जैसा मानो वो जहरीला कैटरपिलर चल रहा हो, जिसे देख के वहां की शिकारी प्राणी भी डर के मारे से खाना तो दूर की बात छूने की भी कोशिश नहीं करता है। और तो और माँ पंछी के लौटने पर भी ये बच्चे खाने के लिए शोर नहीं मचाते हैं जब तक ना माँ पंछी एक स्पेशल आवाज से इन्हें पुकारती है। अब माँ के स्पेशल सिग्नल मिलने के बाद ही ये पंछी कैटरपिलर की एक्टिंग से निकल के अपने आप पे लौट आते हैं। 2012 साल में 3 बायोलॉजिस्ट ने पहली बार इस पंछी के घोंसले की खोज की थी जहाँ पे सिनेरियस मोनर पंछी की बच्चे की ऐसे अकल्पनीय एक्टिंग देख के उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था क्योंकि पंछी की दुनिया में पहली बार ऐसी बैटेसियन मिमिक्री देखा गया था। एक नवजात पंछियों के जहरीला कैटरपिलर होने की इस अनबिलीवेबल एक्टिंग करने की टैलेंट ही मोनर पंछी की बच्चे को अमेजन जैसे भयंकर जंगल में जिंदा रखा है। दोस्तों हमारे इस दूसरे एक्टर को आप सोशल मीडिया में पहले ही देखे होंगे क्योंकि पीठ पर 10 बड़े बच्चे लेके घूमने वाला इनकी वीडियो कई बार वायरल हुआ है। लेकिन ये दुनिया भर में एक दूसरे वजह से फेमस है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सफेद और काला रंग की इस प्राणी का नाम है पॉसम। ये अमेरिका की एकमात्र मार्सुपियल प्राणी है, मतलब माँ पॉसम अपने पेट की थैली में बच्चों को कैरी करता है बिल्कुल कैंगरू की तरह। यह एक बहुत ही मासूम और धीर गति वाला प्राणी है जो केवल 2 से 3 साल तक ही जीवित रहता है लेकिन इसके बावजूद डायनासोर के टाइम से पृथ्वी में टिका हुआ है क्योंकि एक तो ये खाने को लेकर कोई बहाना नहीं करता है, घास से लेकर कीट पतंग और फ्रॉग से लेकर फ्रूट्स कुछ भी खा के पेट भर लेता है। दूसरा ये साल में 3-3 बार बच्चे पैदा करता है और हर एक बार एक साथ 20 तक बच्चे का जन्म दे सकता है। अब इतने कम टाइम में इतने सारे बच्चे देने की क्षमता इन्हें इतने समय तक टिके रहने में मदद जरूर की होगी लेकिन टिके रहने की लड़ाई में इनका तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग हथियार यह है कि पॉसम खतरे से बचने के लिए खुद को ही मार डालता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जिंदा रहने के लिए पॉसम अपनी ही जान ले लेता है लेकिन वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए। असल में यह मरने की असाधारण एक्टिंग करता है। कोई भी शिकारी प्राणी के सामने होने से धीर गति के कारण पॉसम भाग नहीं पाता है इसीलिए डर के मारे कुछ समय के लिए एकदम स्टैचू बन जाता है और फिर अपने मुंह को पूरा खोल के जुबा को बाहर लटक के अचानक धरती पे लेट जाता है। अब ऐसी हरकत देख के शिकारी प्राणी भी कंफ्यूज होकर गहरी सोच में पड़ जाता है। इस बीच पॉसम भी अपने मरने की एक्टिंग को और भी डरावना करने के लिए अपने मुंह से झाग और पाव से बदबूदार गैस छोड़ देता है जिसके चलते शिकारी प्राणी इसे कोई खतरनाक बीमारी से इफेक्टेड समझ के छोड़ देता है और डर के मारे इसे दूर भाग जाता है। तब ये पॉसम भी अपनी मौत की एक्टिंग खत्म करके
धीरे धीरे वहां से उठकर पहली फुर्सत में ही निकल लेता है। शिकारी प्राणियों से बचने के लिए ज्यादातर कैटरपिलर्स अपने जहरीले कांटों पर निर्भर करते हैं, तो कुछ छुपे रहने के लिए कैमोफ्लेज तकनीक की इस्तेमाल करते हैं। और तो और कई कैटरपिलर्स हाई पिच साउंड निकलने की तकनीक भी सीख चुके हैं। लेकिन अमेज़न के रेनफॉरेस्ट में एक ऐसा आश्चर्यजनक कैटरपिलर है दोस्तों, जो जहरीले सांप होने की एक्टिंग करके अपनी बिरादरी में हीरो बन चुके हैं। नॉर्मली ये स्नेक मिमिक नाम के कैटरपिलर देखने में पेड़ की शाखा जैसे होते हैं, ताकि शिकारी पंछी ने पेड़ की शाखा समझ के इग्नोर कर दे। लेकिन इससे काम नहीं बनता है तो शुरू होता है असली खेल। खतरा महसूस होने पे ये कैटरपिलर अपनी आधे शरीर को पलट के हवा में लटक जाता है और फिर शरीर के निचले हिस्से पे दोनों साइड में स्थित दो गोल स्पॉट में हवा भर के बलून जैसा फुला देता है, जिसके चलते ये बाहर की एक बड़े आंखें वाला जहरीला वाइपर सांप जैसा दिखता है। जी हाँ दोस्तों, और तो और सांप होने की एक्टिंग को और भी परफेक्ट करने के लिए ये अपनी बॉडी को सांप जैसा हिलाना शुरू कर देता है, जिसे अचानक देख के पंछी तो छोड़िए आपकी और मेरी भी हवा निकल जा सकता है। छोटे से कैटरपिलर जिंदा रहने के लिए जहरीले सांप होने की एक्टिंग कैसे करना सीख गया, ये बात आज तक साइंटिस्टों के भी पल्ले नहीं पड़ा। हमारे अगले ड्रामा क्वीन को देखने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक वाइल्ड डिश का चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों की सपोर्ट ही दोस्तों हमें ऐसी और वीडियो बनाने में इंस्पायर करेगा। अचानक किसी सांप को ऐसे तड़पाता देख के आप जरूर चौंक जाओगे, और इसके बाद अगर उस सांप को अपनी जुबा बाहर निकल के मर जाने देखेंगे तो शायद आप भी डर के उस सांप से दूर भाग जाओगे। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, ये सांप बिल्कुल वही चाहता है कि कोई भी इसके पास ना जाए, और इसीलिए इतने देर से ये ऐसी अजीबोगरीब ढंग से मरने का एक्टिंग कर रहा था। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस सांप का नाम है ईस्टर्न हॉकनोस्ड स्नेक। ये सांप मिट्टी को खोद के अंदर छुपा हुआ मेंढक खाने में माहिर है, इसीलिए इसका नाक सुअर जैसा ऊंची होते हैं, और इसी के चलते इसका नाम हुआ है हॉकनोस्ड स्नेक, यानी सुअर जैसा नाक वाला सांप। हॉकनोस्ड सांप में जहर ना होने के कारण ये सांप किसी को डस नहीं सकता, लेकिन खतरे से खुद को बचाने की कोशिश में ये सांप अपने गले को कोबरा जैसे फुला के डसने का नाटक जरूर करता है। फिर भी अगर खतरा ना टले तो ये अपनी असली एक्टिंग पे आ जाता है। अचानक ये सांप खुद को पलट के अजीब तरीके से छटपटाना शुरू कर देता है, ऐसा मानो किसी वजह से ये बहुत दर्द में हो, और फिर कुछ ही समय में ये अपनी जुबा को पूरा बाहर निकल के धीरे धीरे एकदम स्थिर हो जाता है, जैसा मानो कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी से तड़प तड़प के इसकी जान चली गई हो। अब कोई भी शिकारी प्राणी बीमारी से मरने वाला शिकार को खा के खुद बीमार पड़ना नहीं चाहता है, इसलिए वो डर के इस सांप को ऐसे ही छोड़ के भाग जाता है। तब हमारी ये ड्रामा क्वीन सांप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है, ठीक उस पौसम प्राणी की तरह। अब ये सोचिए दोस्तों, अगर प्राणी जगत में एक्टिंग के लिए ऑस्कर दिया जाता तो क्या होता? क्या ये हॉकनोस्ड स्नेक ही हर साल बेस्ट एक्टर के अवार्ड ले जाता? कमेंट में आपकी राय जरूर बताना। अब आते हैं हमारी आज की सुपरस्टार यानी प्राणी जगत की सबसे बड़े एक्टर इंडोनेशियन मिमिक ऑक्टोपस पर। दोस्तों दूसरे ऑक्टोपस की तरह मिमिक ऑक्टोपस भी अपने रंग चेंज करके आसपास की वातावरण में छुपे रहने की तकनीक यानी कैमोफ्लेज में माहिर होते हैं, लेकिन आत्मरक्षा की खातिर ये सिर्फ कैमोफ्लेज पर निर्भर ना रह के अपने आकार और बिहेवियर चेंज करके आसपास की 15 विशाल प्राणियों का नकल यानी मिमिक्री करने में माहिरत हासिल किया है, जिसके चलते इसका नाम हुआ है मिमिक ऑक्टोपस। जैसे कि समुद्र तल पर चलने के समय शार्क की नजरों से बचने के लिए ये अपने रंग आकार और बिहेवियर चेंज करके बाकी जहरीले फ्लाउंडर फिश की मिमिक्री करता है। ऊपर से इसे जहरीले फ्लाउंडर फिश समझ के शार्क जैसी खतरनाक शिकारी प्राणी भी धोखा खा जाता है। अब हर एक ऑक्टोपस की सबसे ज्यादा खतरा होता है खुले पानी में तैरने के समय, इसीलिए खुले पानी में शिकारी प्राणियों को चकमा देके भागने के लिए सभी ऑक्टोपस एक बदबूदार काले लिक्विड छोड़ते हैं। लेकिन एक्टिंग में उस्ताद ये मिमिक ऑक्टोपस ने एक दूसरा और बेहतर तकनीकी खोज कर लिया है। खुले पानी में जहरीले कांटेदार लायन फिश बिंदास घूम फिर सकता है, क्योंकि जहरीले कांटे होने के कारण ज्यादातर शिकारी मछली से खाने की भूल नहीं करता है, और इसी की फायदा उठाने के लिए मिमिक ऑक्टोपस खुले पानी में अपने पैरों को फैला के लायन फिश होने की जबरदस्त एक्टिंग करके शिकारी प्राणी को आसानी से बुद्धू बना लेते हैं। और तो और खतरा होने से हमारे ये नकलची ऑक्टोपस अपने 6 पैरों को गड्ढे में छुपा के सिर्फ 2 पैरों से दुनिया की सबसे जहरीले सांप यानी सी क्रेट का अद्भुत नकल करता है, जिसे देख के हर शिकारी प्राणी से दूर भागता है।
कभी कभी तो मिमिक ऑक्टोपस ऐसी प्राणियों की नकल करता है कि साइंटिस्टों को भी समझ नहीं आता है कि ये किसका नकल कर रहा है। और ऐसे ही दोस्तों मिमिक ऑक्टोपस दुनिया की सबसे कूल सुपर एक्टर की खिताब जीत लिया है। दोस्तों इन 5 प्राणियों में से आपको किसकी एक्टिंग सबसे मजेदार लगी ये कमेंट्स में प्लीज बताना, और यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।